नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैंपियन नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज का सबसे पहला न्यूज है नोकिया की तरफ से। तो शाओमी और बाकी कंपनी की तरफ नोकिया ने भी अब स्ट्रीमिंग बॉक्स लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है नोकिया स्ट्रीमिंग बॉक्स 8000, जो कि एंड्रॉइड टीवी फीचर के साथ आता है। 4K स्ट्रीमिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसका प्राइस यूरोप पे लॉन्च हुआ है 100 यूरो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च होगा तो इसका प्राइस होगा एग्जैक्टली 5000 या फिर उससे नीचे। तो देखते हैं आखिरकार ये जो नोकिया का स्ट्रीमिंग बॉक्स है किस प्राइस में इंडिया में लॉन्च होता है। बस एक चीज में कह सकते हो, नोकिया के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है, प्राइस के मामले में नहीं, लेकिन इसका हार्डवेयर सिस्टम के मामले में मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। इसके बाद का न्यूज है एप्पल की तरफ से। तो नेक्स्ट साल एप्पल के टोटल 4 प्रोडक्ट आने वाला है, एप्पल आईफोन 13 मिनी, नॉर्मल वाला, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स। कहा जा रही कि जो 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, उसमें जो अल्ट्रा वाइड सेंसर, वो एक नेक्स्ट जनरेशन और बहुत ही हाई लेवल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। मतलब कह सकते हैं कि आईफोन 13 कैमरे के मामले में और भी ज्यादा अपग्रेडेड होगा पिछले वाले जनरेशन से। तो अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करें तो यहाँ पर शाओमी की बात तो हमें करना ही होगा। तो MI 11 बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि MI 11 स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर के साथ ऑलरेडी गीकबेंच सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है, जैसे कि अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं। और एक स्पेशल न्यूज है कि इसमें भी एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, लेकिन वो अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। मतलब कैमरा क्वालिटी MI 10 और MI 10T प्रो के मुकाबले बहुत ही आगे होने वाला है। और एक चीज मैं कह दूं, अगर आपको लग रहा है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में शाओमी और बाकी सभी कंपनी अपना जो फ्लैगशिप डिवाइसेस वो इंडिया में लॉन्च कर रहा है। मतलब गारंटीड MI 11 इंडिया में भी लॉन्च होगा। इसके बाद का न्यूज है वीवो की तरफ से। तो वीवो एक बिल्कुल नया यूजर इंटरफेस मार्केट पर लॉन्च करने वाला है, जैसे Realme UI, Samsung One, Xiaomi MIUI। तो वीवो का ये जो यूजर इंटरफेस, इसका नाम होगा Origin OS, जो कि 18 नवंबर लॉन्च होने वाला है। और कहा जा रहा है कि इसका ऑप्टिमाइजेशन और इसका प्रोडक्टिविटी बाकी सारे यूजर इंटरफेस से बहुत ही ज्यादा अलग होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी अवेलेबल जितने भी वीवो के डिवाइसेस है, मेरे ख्याल से जितने भी आईको डिवाइसेस है, सभी के सभी डिवाइस में ओरिजिन ओएस का अपडेट जरूर मिलेगा। तो 2 हफ्ते पहले माइक्रोमैक्स 1B और माइक्रोमैक्स नोट 1, ये 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। ये जो माइक्रोमैक्स 1B एक 7000 और एक 8000 रुपीज में लॉन्च हुआ था, मतलब 2 वेरियंट लॉन्च हुआ था। अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद है तो इसका प्री ऑर्डर कल दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाला है फ्लिपकार्ट पे। और मेरे ख्याल से अगर आपका बजट है 7000 रुपए या फिर 8000 रुपए, तो आपको ये स्मार्टफोन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर स्मार्टफोन आपको अभी के मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा Redmi Note 10 के बारे में। तो इस साल Redmi Note 10 के एटलीस्ट 2 स्मार्टफोन तो जरूर आएगा। पहला तो एक नॉर्मल वाला Redmi Note 10, जिसका प्रोसेसर होगा Dimensity 800U, और जो सेकंड वाला, मतलब जो Redmi Note 10 Pro या फिर Pro Max, उसमें हमें मिलेगा 108 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा सेटअप, और जो प्रोसेसर वो होगा स्नैपड्रैगन 750G, और स्क्रीन होगा नॉर्मल LCD लेकिन रिफ्रेश रेट होगा 120Hz। और इसका प्राइस मेरे कुछ लीक सोर्स की तरफ से ये मालूम चला कि एग्जैक्टली होगा 16999 रुपीज, मतलब एग्जैक्टली 17000 रुपए, मतलब 17000 रुपए पे। चलिए 17000 में छोड़ ही देता हूँ, अगर मैं मैक्सिमम 20000 भी पकड़ता हूँ तो 20000 के नीचे Xiaomi में देने वाला है 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर। तो एक ग्रोसरी ऐप है जिसका नाम है बिग बास्केट। कहा जा रहा है कि इसका जो डेटाबेस वो पूरा हैक हो चुका है। इसके डेटाबेस के अंदर 2 करोड़ लोगों के फाइनेंशियल और बाकी सभी डिटेल्स, और ये सभी डिटेल्स डार्क वेब पे बिक रहा है $40,000 पे, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज, जो कि सिक्योरिटी के मामले में एक बहुत ही खतरनाक चीज। और इसलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप डार्क वेब विजिट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी विजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप विजिट करते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि गवर्नमेंट का नजर आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसके बाद का न्यूज़ है Huawei की तरफ से। तो आपने तो सुना होगा कि Huawei का एक टोटली अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई यूजर इंटरफेस नहीं, एक टोटली जो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है हार्मोनी ओएस या फिर होंगमेंग ओएस, ये तो लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है कि डिसंबर 18 पे ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली सभी स्मार्टफोन के लिए लॉन्च हो जाएगा। मतलब इस दुनिया पे जो भी स्मार्टफोन कंपनी अगर वो चाहे तो एंड्रॉइड के अलावा ये होंगमेंग ओएस भी इस्तेमाल कर सकता है। और मैं खुद पर्सनली चाहूंगा इस होंगमेंग ओएस को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मैंने ये चीज सुना है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्स रेट गूगल से भी बेटर है। इसके बाद का न्यूज है पबजी की तरफ से। तो पबजी फाइनली आने वाला है, ये तो मैंने आपको कह दिया था, लेकिन क्या आपको पता है दिवाली के आसपास ही आने वाला है। एक सीक्रेट सोर्स की तरफ से ये मालूम चला है कि 12 दिसंबर को पबजी लॉन्च करने वाले एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें 2 इंडियन स्ट्रीमर रहेगा, जिसका नाम होगा डायनामो और क्रॉन्टेन। एकदम लीक इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से ये टेक न्यूज देने के बाद बहुत सारे लोगों
लोगों को पता चल जाएगा और बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो भी बनाएगा, उसमें से मैं भी एक रहूंगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, 12 दिसंबर पबजी की तरफ से एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आने वाला है जिसमें रहेगा डायनामो और क्रॉन्टेन। इसके बाद का न्यूज है वन प्लस नाइन की तरफ से। कहा जा रहा है कि इस बार वन प्लस नाइन के अंदर टोटल 3 अलग अलग स्मार्टफोन होगा। जैसे कि हमने देखा है इस साल आईफोन का 4 वेरिएंट, सैमसंग का 3 वेरिएंट, शाओमी का बहुत सारे वेरिएंट, बिल्कुल सेम कहा जा रहा है कि वन प्लस का टोटल 3 अलग अलग वेरिएंट होगा। जितना मुझे लग रहा है वन प्लस का नॉर्मल मतलब वन प्लस नाइन, 9 प्रो या फिर 9 मिनी नाम का कुछ हो सकता है। तो देखते हैं कि इस साल वन प्लस नाइन का दरअसल क्या क्या अलग अलग वेरिएंट होता है। इसके बाद का न्यूज है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी की तरफ से एक अननोन स्मार्टफोन आने वाला है, जैसे कि अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन, इसका मॉडल नंबर है RMX 2194 और इसमें हमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 460 और ये भी कहा जा रहा है कि इसका प्राइस होगा ऑलमोस्ट 8000 रुपए के आसपास। तो देखते हैं कि आखिरकार जो रियलमी की तरफ से अननोन स्मार्टफोन है क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो ओप्पो अपने नेक्स्ट जनरेशन रेनो सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है ओप्पो रेनो 5। और क्योंकि ओप्पो रेनो 5 आने वाला है तो मतलब ओप्पो रेनो 5 प्रो या फिर कोई दूसरा मॉडल भी आने वाला है। इसका स्पेसिफिकेशन आप देख ही सकते हैं, 60Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सैम्पलिंग रेट, वही सेम OLED डिस्प्ले, 64MP क्वाड कैमरा, 32MP सेल्फी। मतलब कह सकते हैं कि कैमरा में शायद उतना अपग्रेड नहीं होगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में हो सकता है कि ज्यादा अपडेट होगा। तो देखते आखिरकार जो ओप्पो रेनो 5 और ओप्पो रेनो 5 प्रो किस प्राइस में इंडिया पे लॉन्च होता है। इसके बाद हम हाइपर लूप के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपर लूप दरअसल एक ऐसा ट्रेवल सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली से लंदन की बात करूँ तो एक ट्रेन लाइन जैसा एक चीज होगा, उसके अंदर से एक एयरपोर्ट मतलब एक कह सकते कि बस जैसा चीज, मतलब मैं सही से आपको समझ नहीं पा रहा। सोचिए कि उसके अंदर से एक हाई स्पीड रॉकेट भेजा जाएगा, लेकिन वो रॉकेट रेल लाइन के ऊपर चलेगा और इसका सबसे पहला ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया गया है और कहा जा रहा है कि ये ट्रायल बिल्कुल सक्सेसफुल है। अगर मैं इसके स्पीड की बात करूँ, कहा जा रहा है कि दिल्ली से लंदन मेरे ख्याल से 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टेक्नोलॉजी इतना, उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आएगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू। Thank you.